नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आरती। नववर्ष की पावन वेला में है यही शुभ संदेश, हर दिन आए आपके जीवन में लेकर खुशियाँ विशेष। नववर्ष 2021 की समय जगत समूह की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आप सभी जनपद वासियों और क्षेत्र वासियों के लिए नूतन वर्ष 2021 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक सौरभ लोधी, पूर्व प्रधान। पोलाई कलां, बढ़ती चोरियों के विरोध में प्रशासन से नाराज होकर नगरवासियों ने पुलिस थाना अवंतीपुर बड़ोदिया पहुंचकर ज्ञापन सौंपा था और क्षेत्र की दर्जनों चोरियां जिनका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है उन पर कार्रवाई कर बरामदगी के लिए अल्टीमेटम दिया था। ऐसा समय में पोलाई कलां का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें स्पष्ट रूप से चोर दबे पांव आते हैं, इधर उधर देखते हैं और गाड़ी का लॉक तोड़कर गाड़ी को बिना स्टार्ट किए कुछ दूर आगे तक ले जाते हैं और फरार हो जाते हैं। जी हाँ, ये वीडियो आपके सामने चल रहा है, उसमें हम हर व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किंतु पुलिस को ये वीडियो नहीं दिख रहा है। कोई भी देख सकता है कि किस प्रकार से चोर दबे पांव आकर गाड़ी लेकर जा रहे हैं। जब ये वीडियो पुलिस को दिया जाता है तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। इससे असंतुष्ट होकर जब स्वयं मालिक ही अपने मित्रों के साथ कंजारे के डेमे में जाकर वहां से अपनी बोलेरो गाड़ी में भरकर चोर को पकड़कर चौकी पर लाकर पुलिस के हवाले कर देते हैं, अब यहाँ पर होता है पुलिस की सौदेबाजी का खेल शुरू। पुलिस अपनी वर्दी में शर्मसार करते हुए मेहनत से पकड़ कर लाए हुए चोर को बिना किसी कार्रवाई के छोड़ देती है और ना ही मोटरसाइकिल बरामद करती है। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर, पुलिस की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जिस वर्दी को समाज की सुरक्षा हेतु हमेशा तत्पर होना चाहिए, उसी वर्दी में छुपे हुए कुछ लोग यदि इस प्रकार का कार्य करते हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो अधिकारी ही जाने। 10 दिन पूर्व नगरवासियों ने थाने में जाकर हंगामा करके चोरी की गई मोटरसाइकिल, ट्रॉली आदि को बरामद करने हेतु प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। वहीं प्रशासन ने 10 दिन का समय मांगा था, लेकिन 11 दिन पूर्ण होने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने से 2 जनवरी को नगरवासी पुलिस चौकी पोलाई कला का घेराव करके वहीं पर धरना देंगे, जिसकी नगर के प्रमुख लोगों बीती रात को मीटिंग की गई, जिसमें सभी ने अपना अपना मत रखते हुए कहा कि 2 तारीख को पुलिस चौकी का घेराव होगा और धरना होगा और यदि उसके बाद भी चोरी हुई साधन नहीं आते हैं तो पुलिस पोलाई कला को बंद करके चक्का जाम किया जाएगा। मैंने से 2 बार गाड़ी चोरी, 1 बार मेरी गाड़ी चोरी हो गई, फिर मैंने सीसी कैमरे लगा लिया, उसमें कंजर चोरी करके मेरी गाड़ी ले जाया, पेट्रोल नहीं था इस कारण से घर के सामने छोड़ के भाग गए, फिर सीसी कैमरा फुटेज पुलिस को दे भी दिया, कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने और कंजर को संभावित। पोलाई कला से समय जगत के लिए रजनीश भमूरिया की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।